हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रैंड वीडियो। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। बहुत दिनों से आप सभी लोग वेट कर रहे थे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 की डिटेल 10th मंथ स्टडी प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है आप CAPF AC 2020 एग्जाम में मिनिमम 140 मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 140 मार्क्स इन पेपर वन। ओके, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सभी की सभी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं, ए टू जेड चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है इसमें जो आपका आपको समझ में ना आए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम ग्रुप में कि हम 3 PDF अलग अलग तैयार करेंगे, वन फ्रेशर्स के लिए, दूसरा जो है आपका जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए या फिर कहीं पर भी वर्किंग है, और तीसरा जो लोग रिपीटर्स हैं। ये PDF बेसिकली जो है तीनों के लिए ही है। ये प्लान जो है हमने बनाया है बेसिकली एज अ फ्रेशर, मतलब एक फ्रेशर जो स्टूडेंट होगा वो किस तरह से तैयारी करेगा उसके हिसाब से हमने सब कुछ बनाया है। तो जो रिपीटर्स हैं वो अपना प्लान जो है इस प्लान के अकॉर्डिंग बना सकते हैं छोटे मोटे चेंजेस में करके, और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा जो रिपीटर्स भी हैं आप इसी प्लान को फॉलो कीजिए। टाइमिंग थोड़ी सी आप चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज़ को हमने इसे पहली बार पढ़ने के लिए फर्स्ट रीडिंग में किसी चीज़ को हमने 20 दिन दिए, तो ऑलरेडी आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है तो उनको टाइम जो है आप घटा के उसे 10 दिन कीजिए। उसके बाद जो है जो आपका टाइम बचेगा उनको रिवीजन में दीजिए। इस प्लान में दोस्तों हमने वन टाइम जो रिवीजन हो पहली बार में आपकी जो रीडिंग होगी उसको कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट। हमने एक सेकंड बताता हूँ आपको, 5 महीने का टाइम जो है उसमें हमने लिया है। 150 डेज में जो है हमने वन टाइम फुल सिलेबस आपका कवर किया है इसमें, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, 9 के 9 सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं 5 महीने में। इस प्लान से अगर आप चलोगे तो 5 महीने में आपका जो है पहली बार की रीडिंग सारी खत्म हो जाएंगी, और अच्छी तरह से। इसको आप सिर्फ एक रीडिंग मत लीजिए, 2 रीडिंग लेके चलिए, मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इस ये PDF जो है बेसिकली ये पहले वाला जो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है एज अ डेमो। ठीक है, आप एंड्रॉयड ऐप जब डाउनलोड करेंगे स्टडी फंडा की, वहाँ पर जाके जो है परचेज करने से पहले कोर्स आप देख सकते हैं। 2 चीज़ें हम उसमें आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा Part 1 10 मंथ स्टडी प्लान। तो ये वाला जो पूरा PDF है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको पूरा पढ़िए आप, अच्छे से पढ़िए। जब आपको सेटिस्फाई हो जाए आप कि इस PDF से हमें जो है 140 मार्क्स का टारगेट जो है आराम से अचीव हो जाएगा, तब जाके आप जो है इस पूरे कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने हर एक चीज़ बताई है आपको, मैगजीन कौन सी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए CAPF को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट के 10 दिनों से जो है मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम मैंने इस काम के ऊपर कम से कम आपके 30 से 40 घंटे का टाइम पर्सनली दिया है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सोच समझ के इसमें लिखना पड़ता है एज अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू की। एक जो नया बच्चा होगा जिसे CAPF के बारे में बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है कि CAPF क्या होती है, वहाँ से लेके, और एक जो परफेक्ट बंदा जो होगा पूरा जो रिपीटर है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको एग्ज़ाम में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरा कल्मिनेशन करके हमने पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है। ठीक है, जो फ्रेशर्स होंगे इस PDF में फॉलो कीजिए, हर एक चीज़ में इंस्ट्रक्शन वाइज दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने बताया कि ये PDF में आपको क्या क्या मिलेगा, मिथ्स अबाउट CAPF AC एग्जाम, क्या क्या मिथ्स है CAPF AC एग्जाम के बारे में वो देख लेते हैं। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, सबसे बड़ा मिथ है इसमें। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पर्सनल जानकार हैं ऐसे, दे आर सर्विंग इन CAPF फोर्सेज एंड दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग करते सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होता है, 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं पे कोचिंग ज्वाइन नहीं करते और उनका सिलेक्शन एग्जाम में होता है। ठीक है, अगर वो कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए करते हैं, CAPF के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, एस्पिरेंट जो सिलेक्टेड होते हैं, वो डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सभी तो जो है बीटेक, NIT, IIT से हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग जो है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी हैं और पहले अटैम्प्ट में भी क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्टडी प्लान आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से रहेगा वो इसमें दिया गया है। स्टडी प्लान में फ्रेशर्स हमारे लिए से एनीबडी हु डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट CAPF एग्जाम, पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, तो इसके लिए हमने जो है जो बिल्कुल फ्रेशर है जिनको पता ही नहीं है कि CAPF क्या है, पहला वीडियो हमने इसमें डाला है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, एक CAPF ऑफिसर होता क्या है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, क्या सैलरी पैकेज, सब कुछ बताया है। दूसरे उसमें वीडियो में बताया है द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, जो लोग रिपीटर्स हैं वो इन तीनों वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो जरूर देखना सब जो भी हैं,
थर्ड वाला वीडियो जो है इसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से जो है कट ऑफ बढ़ती चली गई आपकी अभी 2017-18 एग्जाम के उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है ये पेपर एनालिसिस में डाला हुआ है सारे के सारे, आप देख सकते हो। उसके बाद ये दो प्लान है, इसके अलावा भी अगर इसमें कोई भी पीडीएफ या वीडियो डालने की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे वो डालने की, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, जितने भी बच्चे जो महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो घर पे बैठ के तैयारी करें और बहुत ही कम खर्चे में तैयारी करें, मतलब आपको बुक्स के ऊपर ही पैसा जो है इन्वेस्ट करना है मेनली, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है सब कुछ लिखा हुआ है, कब आपको कौन सी वीडियो देखनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और 80% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, जितने भी तैयारी करते हैं 80% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर जो है मैंशन होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से आप तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, स्टडी प्लान नहीं होता किस टाइम पे क्या करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारा स्टडी प्लान परचेज कीजिए, आप बिल्कुल मत कीजिए, अगर आप खुद का एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान बना सकते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसको भी फॉलो जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में इसमें डिस्कस किया हमने वीडियो नंबर 3 में, वहाँ पे आप जो है थर्ड नंबर की वीडियो वो जाके देख सकते हैं। और जो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 140 मार्क्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के जो है हमने इसमें वीडियो डाले, इस तरह से आपको दिखाई देगा जब आप अपनी ऐप खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बताया गया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का इसमें लिंक बकायदा डाला गया है, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से जो है जब यहाँ से क्लिक करेंगे जब आप ऐप में, तो आपका लिंक जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ से जो है आप सारे के सारे पेपर जो है 16 पेपर जितने भी हैं, बेसिकली गूगल ड्राइव का लिंक है, 2016 से 2019 तक के सभी पेपर्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप। 2019 की इसमें आंसर की नहीं है, बाकी सब उसमें आंसर कीज है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स कौन कौन से आपको परचेज करनी है वो इसमें बताई गई है, फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए है, और सारी बुक्स जरूर परचेज करना उसके बाद तैयारी करना शुरू। उसका मैपिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैपिंग की, फिर आपका डेली शेड्यूल जो है वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, फ्रेशर्स का किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए, रिपीटर्स का कैसे होना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़े, कौन सा पढ़े, उसके बाद एक दो चीज़ें हो रहा है, तो ये वाला पहला पीडीएफ है आपका, इसमें सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। दूसरे पीडीएफ की अगर बात करूँ तो वो पूरा डिटेल डे वाइज प्लान है, किस तरह से आपको किस दिन क्या क्या करना है। सबसे अच्छी बात जो है इस बार जो हमने डाली है वो ये डाली है, इसमें सभी के सभी में हमने वीडियो के लिंक्स डाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था शुरू में कि आपका 150 दिन में जो है एक बार जो है रीडिंग हो जाएगी, उसे आप एक रीडिंग मत लगा के चलिए, उसे आप डबल रीडिंग लगा के चलिए। उसका रीज़न बता दूँ क्या है, दो टाइप के लोग होंगे जो इसकी तैयारी करेंगे, जिन लोगों के पास ये पीडीएफ होगा, जो लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे उनका एडिशनल बेनिफिट क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। एज अ फ्रेशर आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ते हो, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, ठीक है, आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ने में कम से कम भी जो है 2 दिन एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें वीडियो के लिंक्स ऐसे डाले हैं जिससे आप डायरेक्ट जो है वीडियो पहले देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद कम से कम जो है आपका मोर देन 60% टाइम जो है वो कटआउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चीज़ें वीडियो में कवर कर ली हैं सारी की सारी, और जब आप उसको बुक को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी होगी कि इस तरह से इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो कवर होंगी, ठीक है। तो वीडियो के लिंक हमने इसमें सारे डाले हैं, जैसे ज्योग्राफी की सभी एनसीईआरटी के इसमें लिंक है, हर एक चीज़ के हमने इसमें लिंक प्रोवाइड किए, जितने भी ब्लू मार्क्स में आप देख रहे हैं HTTPS करके सारे के सारे लिंक है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा ज्योग्राफी पॉलिटी हर एक सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि देखिए अगर आप पॉलिटी डायरेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे होंगे जिनको टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा, फेडरेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बाद आपका सेकुलर क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें इन वीडियोज़ में आपको मिलेंगी, और ये जो है बुक वाइज टॉपिक वाइज जो है लेक्चर इसमें बाकायदा इसमें दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे। और अलग अलग प्लान टाइम पे जो है आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है किस तरह से अपना टाइम कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और यहाँ पे छोटा सा एक वो रह गया है, वो मैं ये सिर्फ आप आज इसलिए जो है प्लान लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि अगर उस पर और काम करेंगे तो 2 दिन का टाइम और लगेगा, तो 2 दिन आप अपने वेस्ट मत कीजिए, आज से ही जो है इस प्लान को फॉलो आप कर सकते हैं परचेज करके। यहाँ पे जो है साइंस का एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है पूरी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइंस में जो है सब बोलते हैं कि 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन इस बार जो है मैं अपनी तरफ से जो है एक नया इनिशिएटिव इसमें डाल रहे हैं, उसमें मेरे पूरे के पूरे 2 दिन का टाइम और इन्वेस्ट होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन लगे 3 दिन लगे मैं उसमें पूरा अपना टाइम दूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ बन के जो तैयार होगी तो उसको जो आप पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ आपका आधे से ज़्यादा टाइम कट आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जब वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 6th क्लास में मान लीजिए आपका फिजिक्स का जो है आपके मान लीजिए 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 4 केमिस्ट्री के और 4 बायोलॉजी के हैं, तो मान लीजिए आपने पहले 4 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लिए हैं, जब आप
उसके बाद फिर आपको चार बायोलॉजी के पढ़ने पड़ेंगे, चार फिर केमिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे। जब आप नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के जो चार चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आपको जो छठी क्लास में जो पढ़ा था वो फिजिक्स का भूल चुके होगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना टाइम लगता है इन चीज़ों में कि आप अगर 3-4 दिन का गैप भी आएगा तो डेफिनेटली आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। और छठी सातवीं तो चलो फिर भी आसान है, मेन जो आपका पेपर में आने वाली है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं और इनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपको जो है टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे, आपको ये चैप्टर पढ़ के फिर ये वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 2 दिन और लगेंगे, मैंने यहाँ पे बकायदा मेंशन भी किया है कि बस 2 डेज वी विल एड द टॉपिक वाइज डिवीजन टिल 1 अक्टूबर, मतलब 2-3-4 दिन जितने भी हैं 2-3 दिन लगेंगे। ये वाला अपडेट कर देंगे, पीडीएफ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, सिर्फ उस पीडीएफ की जगह ये वाला नया पीडीएफ जो है डल जाएगा, दैट्स इट। पीडीएफ एक ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए उस चीज़ की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मैथमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपका पेपर में, मैथमेटिक्स में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं और किन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं मैथमेटिक्स में, वो भी हमने इसमें सब डिस्कस किया है। उसके बाद जो है रिविजन के लिए इसमें मैं बताता हूँ आपको, हमने इसमें दिया है एक आपको पहली रीडिंग करनी है जो 150 दिन में पूरी करेंगे, फिर आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फिर आप सेकंड रिवीजन करेंगे, और पेपर से पहले फिर आप थर्ड रिवीजन करेंगे, यानी आपका 4 बार तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, प्लस जो आप वीडियोस देखोगे पहली बार की रीडिंग में एक बार, वो यानी 5 बार आपका सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। और 6ठी बार जो है लास्ट के 20 दिन में जो आप इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जैसे हम अपने ग्रुप में बताते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें करवाएंगे आपको, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, A to Z चीज़ें इसमें जो दी हुई है, आप देख सकते हैं कितना टाइम इसको बनाने में लगा होगा, एक एक चीज़ यहाँ पे सोच के हाथ से मैंने पर्सनली टाइप किया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से डाटा जो है उठाया गया है, हम दूसरे यूट्यूबर्स दूसरे जो फेलो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं कंटेंट, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट जो है हमारा हाथ से बनाया हुआ है, एक एक चीज़ में मैंने खुद से टाइप किया है, ठीक है। और बकायदा पेपर 2 को हमने स्पेशल टाइम इसमें दिया है, आप ये मत समझना कि पेपर 1 का है ये, इसमें हर एक चीज़ हमने दिया है। पेपर 2 के बारे में भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 10 दिन का टाइम हमने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया है, उसके बाद इससे पहले भी हमने जो है 15 दिन का टाइम एक दिया है पेपर 2 के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए 10 दिन का टाइम है आपको ग्रामर को कवर करने के लिए भी, फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस में लिखा हुआ है किस टाइम पे कौन से ऐसे आपको क्या लिखने हैं, वो सब चीज़ भी दी हुए हैं। उसके बाद जो है करंट अफेयर के बारे में इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, जो किसी भी जो है जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं खासकर जो CAPF के बारे में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। इस बार हमने जो बनाया था, इस बार जो हमारा करंट अफेयर हमने प्रिपेयर किया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन लोगों ने हमारा करंट अफेयर परचेज किया था वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने मेहनत जो आपके लिए की थी वो एटलीस्ट लोगों को तो पता चले, ठीक है। हमने जो है 30 से लेके 45 पेजेस का जो है करंट अफेयर प्रिपेयर किया था CAPF 2019 के लिए, ठीक है। इसमें से आपके 6 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि हमने जो करंट अफेयर प्रिपेयर किया था सिर्फ 30 पेजों में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 6 क्वेश्चन का मतलब होता है आपका 12 मार्क्स, एक एक बच्चा एक एक मार्क्स के ऊपर मेरिट आउट हो जाता है, आपके 12 मार्क्स जो है सिर्फ 30 पेज के करंट अफेयर पढ़ने से आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर आपके लिए। हमने करंट अफेयर का भी इसमें सोल्यूशन बताया है, ठीक है। तो आप सब कुछ वो कीजिए, आपको अच्छा लगे तो कोर्स परचेज कीजिए, मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को भी, और हमने प्राइस इतना अफोर्डेबल रखा है, मेरी टीम ने बकायदा मुझे बोला था कि सर इतना प्राइस का होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने उनको पर्सनली सजेस्ट किया कि हर एक बच्चा जो है इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम इसका प्राइस कम करेंगे। मेरा मेन जो टारगेट है वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लान को फॉलो करें, और जो है उनका जो मेन एम है CAPF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो उनका जो है टारगेट पूरा हो। हर एक टॉपिक जो लोगों को पता भी नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इसमें हमने मेंशन किया है, ठीक है। और लास्ट के जो आपके जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है 10 दिन का टाइम, इसमें वो टॉपिक हमने मेंशन किया, और डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको पूरी मदद मिलेगी हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि किस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब कुछ आपको हेल्प उसमें मिलेगी। अब बात करते हैं आप इस कोर्स लेने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसमें चैट का ऑप्शन होता है, बाकायदा आप मुझसे चैट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए जो है हमेशा तैयार रहेगी, आप जो है इसमें कभी भी कमेंट कीजिए। देखिए जितने भी लोगों का कमेंट आता है उसमें सबका जो है हम उसको रिप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आप भी जो है आपका कोई भी क्वेरी है या फिर इन फ्यूचर में आपको कोई इशू आता है तो आप चैट के जरिए हमसे जो संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, कोई भी अगर डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोर्स जो है बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए मैंने रखा है, ठीक है।
तो सुपर 50 की तरह ऐसा मत करना कि सर हमें पता नहीं था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आपने तो इतना टाइम दिया था। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए अगर उतने हमारे जल्दी पूरे हो जाते डेफिनेटली हम इसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो लेट मत करना कभी, आप बाद में हमें ये बोलो कि सर मुझे तो जल्दी करना था हम नहीं ले पाए, तो वो सब जो है बहाना हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है विदाउट एनी डिले गो एंड परचेज दिस कोर्स, प्राइजेज आर वेरी, मतलब हमने प्राइस को बहुत कम किया है। मैं प्राइस रिवील कर देता हूँ यहाँ पे आपको, इसका जो प्राइस रहेगा, हमारी टीम ने जो इसका प्राइस डिस्कस किया था, सॉरी जो हमारी टीम ने इसका प्राइस जो फिक्स किया था वो था, बताता हूँ आपको, 999 रुपीज़ जो है इसका हमने प्राइस का फिक्स किया था कि हम 999 में जो है इस प्रोडक्ट को, मतलब बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है सारा का सारा जो है, इतना टाइम जिसमें हमने इन्वेस्ट किया अपना ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम। और एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, ये जो है पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ जो है हमने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बकायदा दिखाई थी, दो तीन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्होंने हमने हमें पर्सनल रिकमेंड किया, और दो तीन इसमें जो है छोटी छोटी कमियां बताई थी उनको भी हमने रेक्टिफाई किया है। तो अब ये मत समझना कि सिर्फ ये जो है हमारी टीम ने उसको वो किया है, इसको जो है बाकायदा काफ़ी लोगों ने जो है रिव्यू किया है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये आप इनको चेंज कीजिए। तो फाइनल प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा 499 रुपीज़, ये इतना हमने कम कर दिया है, अब हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अब इस प्राइस में कोई हमसे कोई कमेंट करके, कोई भी ईमेल करके कोई ये मत बोलना कि सर आई कांट अफोर्ड दिस मच, ठीक है, प्लीज गिव अस डिस्काउंट ऑफर, हमने प्रीवियस ईयर ये परचेज किया था, डजंट मैटर टू अस, ओके। दिस इज द फाइनल प्राइस 499 रुपीज, ये कोर्स जो है 11:30 बजे तक जो है आपका लाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।